नमस्कार, द पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेटेस्ट खबरों के लिए द पब्लिक न्यूज चैनल की इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को नीचे दिया रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हां, आपको बता दें कि राहुल ब्रिगेड यानी राहुल गांधी ही कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी के अंत का काल बन चुके हैं। एक नेता ने कहा कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। कांग्रेस पार्टी के लिए सीन पायलट सिंधिया व अशोक तंवर ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के काफ़ी ऐसे युवा नेता है, दर्जनों से ऐसे युवा नेता है अलग अलग राज्य से, जो कांग्रेस पार्टी को कभी ना कभी छोड़ना चाहते हैं या कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए जो उतावले हो रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान में सीन पायलट की बगावत के बाद कांग्रेस में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कार्यशैली और उनके नज़दीकी समझे जाने वाले नेताओं पर सबका ध्यान लगा हुआ है। राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश में सिंधिया और अब राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत के बाद कांग्रेस में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कार्यशैली और उनके नज़दीकी समझे जाने वाले नेताओं पर सबका ध्यान केंद्रित है। राजस्थान के घटनाक्रम के बाद पार्टी में आशंका का माहौल है और लगभग सभी इस सवाल से जूझ रहे हैं कि अगला कौन सी नेता होगा जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर या कांग्रेस पार्टी को पीठ दिखाकर भाग जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति के एक सदस्य ने नाम नहीं दिए जाने का आग्रह करते हुए पीटीआई भाषा में कहा कि जाहिर है कि हम सोचने पर मजबूर है कि जब ऐसा नेता जिन्होंने कम समय में काफ़ी जिम्मेदारी दी गई और जिनकी प्रतिभा का उपयोग पार्टी अपने भविष्य की रणनीति के लिए करने को लेकर आश्वस्त थी, वो अगर संतुष्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सचिन पायलट व ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत का झंडा उठाने वाले उन नेताओं में है जिन्हें पार्टी में राहुल ब्रिगेड के सदस्य के तौर पर जाना जाता रहा है। इस ब्रिगेड के अन्य नेताओं में पार्टी को हरियाणा इकाई के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर, मध्य प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव, मुंबई इकाऊ के पूर्व प्रमुख मिलिंद देवड़ा एवं संजय निरुपम, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह भाजपा, झारखंड इकाई के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार और कर्नाटक इकाई के पूर्व अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव जैसे नाम शामिल है। इसके अलावा एक समय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव रहे मधुसूदन मिस्त्री, मोहन प्रकाश, दीपक बाबरिया, उत्तर प्रदेश इकाई के राज बब्बर, संगठन महासचिव के श्री वेणुगोपाल, राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे भी इसी श्रेणी में है। कांग्रेस में सूत्रों की स्वीकार किया कि पार्टी में राहुल ब्रिगेड को ज़्यादा अहमियत मिलने से नाराजगी बढ़ी है, खासकर इनमें से ज़्यादा के पद न रहने पर विद्रोही तवर दिखाने से। इन सूत्रों का आरोप है कि इनमें से अधिकांश नेता उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी पर खड़े नहीं उतरे और पार्टी में गुटबाजी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक अन्य नेता ने कहा कि पीटीआई भाषा से कहा कि जो नेता कांग्रेस में बहुत कुछ पाने के बाद आज पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं वो अपने आप से धोखा कर रहे हैं। इसी वक्त पार्टी से मांगने का नहीं बल्कि पार्टी को देने का समय है। आपको बता दें कि 72 वर्षीय हरीश रावत ने यह मानने से इनकार करते कि पार्टी के भीतर पीढ़ी का कोई टकराव है। उन्होंने कहा कि जो स्थिति दिख रही है वो बीजेपी द्वारा लोकतंत्र पर हमला के कारण है। दुख की बात है कि महत्वाकांक्षा के कारण हमारे यहाँ के कुछ लोग उनके जाल में फंस गए हैं। बेहतर होता कि अगर ऐसे नेता कोई न्याय चाहते तो वो पार्टी के भीतर इसका प्रयास करते। आप क्या सोचते हैं इस बड़ी खबर के बारे में? आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को आखिर तोड़ने के पीछे क्या बीजेपी पार्टी का हाथ है या कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी महत्वाकांक्षा को पाने में असफल रहने से ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं? इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबरें वन क्लिक पर सबसे पहले मिल पाए।